तो आज की इस वाली वीडियो में मैं और विश्वास सर्वाइव करने वाले हैं 100 डे इन स्काई ब्लॉक वर्ल्ड। और अगर तुम माइनक्राफ्ट के बहुत ही बड़े दीवाने हो तो तुम्हें इस मैप के बारे में तो जरूर पता ही होगा, जहां पर हम एक ही आइलैंड पे स्पॉन होते हैं और हमें वहां से सारी रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। और यार ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस आइलैंड पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है और हमें उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके हम बहुत बड़ा आइलैंड बनाना है और हमें अपने आप को नेदरराइट से रिकवर करना है और एंडर ड्रैगन को मारना है। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज ऐसी ऐसी करने वाले हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इस वाली मैप में 2-3 ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें जल्दी से सोल्व करनी होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है यहाँ के एरिया से, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत ही ज्यादा कम है और हम कभी भी गिर सकते हैं, तो हमें इस एरिया को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे खाने की, क्योंकि यहाँ पे डर्ट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और हमें इसी डर्ट पे अपनी फार्मिंग वगैरह भी करनी है और हम दोनों के खाने के लिए यार इतनी डर्ट बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगी। और इस वाले मैप में यार तुम्हें डायमंड के और तो कहीं देखने को मिलेंगे ही नहीं, तो मतलब डायमंड का आर्मर तो तुम भूल ही जाओ। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर 100 दिन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, ये तो तुम्हें वीडियो के अंदर पता चलेगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले दिन हम अपने मेन आइलैंड पे स्पॉन हुए थे और इस आइलैंड के आसपास यार और भी छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि हमें नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला था। और फिर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि यहाँ की घास वास काटी, क्योंकि इनसे हमें सीड मिल सकते थे जिससे हम फार्मिंग कर सकते थे। और मैंने यहाँ पे एक चेस्ट भी थी और यहाँ पे एक पेड़ था जिससे हम अपनी बाकी रिसोर्स भी इकट्ठे कर सकते थे। इस चेस्ट के अंदर हमें 6 आयरन मिल गया था और 6 एप्पल मिल गए थे जो कि हमें आगे जाके काम आने वाले थे। और कुछ सामान भी इसने पहले ले लिया था। क्या हमें यहाँ का एरिया बड़ा करना चाहिए? कोबलस्टोन से कर लेंगे वो बड़ा। हाँ जी, यहाँ बना दो। नहीं बना दे। और यहाँ पर भी स्कॉर्पियो स्टोन जनरेटर बना रहा था और मैं चला गया था लकड़ी तोड़ने ताकि हम अपने बेसिक टूल वगैरह बना सके। मैंने उस लकड़ी से क्राफ्टिंग टेबल बनाई और वहाँ से एक पिकेक्स बना लेती ताकि हम स्कॉर्पियो स्टोन को माइन कर सके। और अभी मेरे पास 3 आयरन बचा हुआ है, तो तू लकड़ी की बनाना, इसे हम वैसे काम के लिए यूज करेंगे, इसके लिए स्कॉर्पियो स्टोन की बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था, सॉरी ब्रो। अगर हम स्लावा में गिर गए तो मर जाएंगे। नीचे भी एक वो है प्लेटफॉर्म, देख नीचे देख। हाँ हाँ, वो माइन है। इतनी सी? हाँ भाई, इन लोगों ने माइन के नाम पर बस एक छोटा सा टापू दिया है, उसमें क्या ही माइन कर लेंगे और कितने ही डायमंड निकल जाएंगे वहां पर। और उसके बाद फिर हम बस यहाँ पे क्रोबस्टोन तोड़ने लगे। क्रोबस्टोन तोड़ते तोड़ते मुझे पता चला कि इसके नीचे आयरन है और आयरन से हम कुछ टूल वगैरह बना सकते हैं, पर यार अभी उस आयरन को तोड़ना थोड़ा खतरा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मैं पहले दिन ही मर जाऊँ। पता चला यार मैंने उस आयरन को तोड़ा और फिर मैं सीधा वॉइड में गिर गया, तो उसमें थोड़ा मुझे रिस्क लग रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्रोबस्टोन माइन करे ताकि हम यहाँ का एरिया एक्सपेंड कर सके और हमें गिरने का खतरा ना रहे। पहले एरिया थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार। अरे एरिया बड़ा करेंगे तो मोस्ट भी बहुत सारे आएंगे, वन ब्लॉक की तरह हो जाएगा ये। ओ ये पूरा एक्सी फार्म बन जाएगा इधर का। कोल वोल कहाँ से लाते हैं? कोल वोल वो इसके अंदर से माइन करके आने पड़ेंगे हमें, जैसे यहाँ पे आयरन है ना, कोल भी नीचे कहीं मिलेगा। जा तू वो कर, मैं यहाँ माइन करता हूँ। क्या करूँ मैं? वहाँ माइनिंग कर, पत्थर तोड़ या तू यहाँ तोड़। अरे मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। Oh my God. और इस वाले मैप में यार हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी, डर्ट, बहुत सारी डर्ट। और यार डर्ट ही यहाँ पे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डर्ट से ही हम ज्यादातर चीजें कर सकते थे। हम पेड़ को उगा सकते थे, हम खाना उगा सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और हम डर्ट का बहुत ही कम यूज कर रहे थे। और जब मैं माइन कर रहा था यार, 2-3 डर्ट नीचे गिर भी गई थी, उससे मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ था। और नीचे नीचे जो मत कर नीचे गड्ढा। पानी से ऊपर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, नहीं नीचे बैठ रोके। हाँ बैठ रोके कर ले कर ले। मैं टॉर्च बोल रहा था, खाना तो वैसे ही पक जाएगा, ये कैंप फायर देता है खाना पकाने के लिए। अरे तो टॉर्च भी तो इससे बन जाएगी ना, चारकोल से टॉर्च ही तो बनती है। नहीं टॉर्च थोड़ी बनती है। अरे बनती है भाई, मैंने खुद बनाई है, मुझे लगा नहीं बनती। अरे बनती है भाई, बनती है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे क्रोबर स्टोन से बनाया एक फर्नेस, क्योंकि मेरे पास आयरन था 4 और मुझे इस आयरन को आयरन इंगेट में बदलना था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इस पेड़ से 3 सैपलिंग्स मिली थी जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लगी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था भाई यहाँ से 3 सैपलिंग मिल जाएगी मुझे। और उसके बाद अगले सुबह को मैं वापस नीचे से डर्ट लेने चले गया था, क्योंकि हम इस डर्ट से और भी ज्यादा पेड़ उगा सकते थे। और फिर मैंने ये साइड डर्ट को थोड़ा एरिया बड़ा करा और फिर मैंने आगे की तरफ लेके चला गया था। और मैंने यहाँ पे अपनी सारी सैपलिंग यहाँ पे रख दी थी और मुझे नहीं पता कैसे ये पेड़ भाई बहुत ही जल्दी बढ़ा था यार, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता कोई भी पेड़। और पता नहीं क्यों हो सकता है कोई मैप में ही वो हो, पर जो भी था यार बहुत अच्छा था। और यहाँ पर विश इस जनरेटर को थोड़ा और एक्सपेंड कर रहा था ताकि हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्लोबस्टोन माइन कर सके। और स्टार्टिंग में यार ये चीज कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, पर यार मुझे नहीं पता कैसे, और भाई बाद में ही काफी तेज तेज होने लगा और हम काफी तेज तेज माइनिंग भी करने लगे थे। बस में एक दिक्कत थी कि जो हमारे क्लोबस्टोन होते हैं ना, वो कभी कभी लावा में गिर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास आ नहीं पाते। और अगर हमारे पास कुछ आयरन होता तो हम ऊपर लगा के इसे और भी ज्यादा अच्छा कर सकते थे, पर ना अभी हमारे पास थोड़ी बहुत रिसोर्स की कमी हो रखी थी, पर आगे जाके हम
में से भी फिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने बस बहुत देर तक उस माइनिंग करी थी। हम माइनिंग इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपना एरिया भी थोड़ा बड़ा कर सके और जो आसपास के जो टापू है हम उन पे भी जाके एक्सप्लोर कर सके। वो बस ऐसे ही हमने बहुत सारे क्लोबस्टोन को करा और हमने स्लैब्स बना के आगे की तरफ एक टापू पे जाने लगे। और हम कोशिश कर रहे थे कि जो हम स्लैब्स लगा रहे हैं हम लेवल 2 पे लगा रहे क्योंकि लेवल 2 पे कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो सकता। और फाइनली हम एक टापू पे पहुंच चुके थे जहां से हमने थोड़ा बहुत सुगर केन ले लिया था और यहां पे एक दो चीज और थी। सामने जा नहीं सकते अब इतनी औकात नहीं हमारे। आगे जो चेस्ट रखी है पानी में सेपलिंग ही सेपलिंग है देख। हां देख ली। बम्बू गाऊंगा मैं बम्बू के बदले भाई बम्बू का बहुत से है यहां पे। ठीक है चल भाई बहुत सारी डर्ट चाहिए यहाँ से ले लेंगे डर्ट। और वहाँ से आने के बाद हमने बहुत सारी माइनिंग करी थी क्योंकि हमें बाकी आइलैंड पे भी जाके देखना था कि वहाँ पे हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिल सकते थे। और यार यहाँ पे मेरे सारे क्लोबस्टोन जा रहे थे तो यार विस के पास जा रहे थे। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा था। मैं कोई क्लोबस्टोन माइन करता था वो विस की इन्वेंटरी में चला जाता था और मेरे पास बहुत ही कम क्लोबस्टोन आते थे। दे दे यार एक तो दे दे सही कहूंगा तो मेरा जी भाई स्काई ब्लॉक खेलने का कर रहा है ज्यादा। स्काई ब्लॉक तो है हां मतलब स्काई ब्लॉक में ज्यादा दिन सरवाइव करने का कर रहा है इसको लंबा खींचने का क्योंकि ये जो विलेजर है ये हमें भाई हर एक चीज दे रहा था। मुझे यकीन भी नहीं था कि ये हमें ऐसी चीज मिल भी सकती है पर हाँ भाई ये विलेजर हर एक चीज दे रहा था। पर हाँ इसमें कुछ चीज थी जो कि नहीं दे रहा था जैसे कि एंडर पर और आई ऑफ द एंडर ये दे ही नहीं रहा था। और हमें नहीं पता कि हम एंड में कैसे जाएंगे हमें एंडरमैन को मारना पड़ेगा और एंडरमैन भी स्पॉन नहीं हो रहे थे सारे वर्ल्ड में तो एंड में जाना तो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर हाँ बाकी सब चीज दे रहा था लकड़ी के बदले में ट्रेड विरेड करने के में। और ऐसे इसी वजह से इस मैप का नाम हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक था क्योंकि हम यहाँ से ट्रेडिंग करके पैसे ऐसे कमा के चीजें ले सकते थे। और हाई पिक्सल में भी ऐसे यही होता है। मैंने कभी हाई पिक्सल खेला तो नहीं है पर हाँ मुझे लोगों ने बताया कि ऐसी होता है भाई। स्लाइम का स्पॉन एग लेके भाई वो बनाऊंगा फुली ऑटोमेटिक बम्बू फार्म या वो उसके साथ वाला क्या होता है शुगर केन पैसा ही पैसा होगा। ओके स्पाइडर स्पॉन एग विंडिकेटर स्पॉन एग अरे बस भाई अब हाथ रे आएगा स्पॉन एग हॉर्स स्पॉन एग तू डर्ट लेकर जल्दी से वुल्फ स्पॉन एग। और वो वाला विलेजर हमें 4 एमराइट के बदले 32 डर्ट दे रहा था और वो एक काफी अच्छी डील थी क्योंकि हमें इस वाले वर्ल्ड में भाई डर्ट का बहुत ज्यादा काम था ताकि हम अपनी फसल उगा सके और पेड़ को ग्रो कर सके। उसका फिर मैंने बहुत सारे पेड़ तोड़े क्योंकि यार पेड़ से भी हम एमराइट ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ स्लैब्स लगाई और मैं एक दूसरा आइलैंड पहुंच गया था एक मशरूम आइलैंड था। और यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा खास चीज मिली नहीं थी पर हाँ सामने की तरफ एन पोर्टल था तो मैंने सोचा भाई वहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होगी पर वहाँ पे भी कुछ ज्यादा खतरनाक चीज नहीं मिली। बस हाँ हमें लावा मिल गया जो कि हमें ऑब्सिडियन बनाने के काम आएगा हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गार्डन सुना मतलब इनको मैं थोड़े कॉफी बीन के फार्मिंग कर रहा हूं मैं। हां कर भाई तूने पेड़ वेट थोड़ा कल जंगल बनाए थोड़ा अलग सा वो एरिया बनाता है जो बनाता लगाता है इन्हें। और उसके बाद हमने बहुत सारी माइनिंग करी थी क्योंकि हमें भाई ग्लोबल स्टोन से एमराल्ड लेने थे। उसके बाद से मैं लकड़ी तोड़ने चला गया था क्योंकि हमारे डार्क ओक से भाई बहुत सारी लकड़ी मिलती है मतलब इसका एक पेड़ से हमें एक स्टैक तो मिल जाती है और काफ़ी सही तैयारी है। पर मुझे डार्क ओक का पेड़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों मुझे ओक का ज़्यादा अच्छा लगता है पर डार्क ओक देखने के लिए काफ़ी सही है। और फिर उन एमराल्ड से मैंने बहुत सारी डर्ट ले ली थी मतलब बहुत सारी तो नहीं पर हाँ इतनी डर्ट थी कि हम पेड़ वगैरह उगा सकते थे। और फिर मैंने पेड़ के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया था क्योंकि यार वहाँ पे हम इतने सारे पेड़ नहीं उगा सकते थे। और उसी के साथ साथ मैंने विस के जो बम्बू लाया था मैंने उन्हें भी उगा दिया था क्योंकि हमें बैम्बू की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। और हमें अपना पापी पेट भी भरना था और उसके लिए हमें खाने पीने की कुछ चीजें चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बना दिया था। विस यहाँ पे पानी की बाल्टी से पानी डालने वाला था पर पता नहीं कहाँ भग गया सारे ले भी लिए मैं कहाँ है मैं यही सोच रहा हूँ। ओ आग आ बाय बाय पानी में कुछ 3 से थोड़ा अलग रखना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग करी थी और हमें भाई सोने के लिए कोई एक बेड भी चाहिए था क्योंकि काफी टाइम हो गया था हम सोए नहीं थे तो मैंने ट्रेडर से कोवेब ले लिए थे। और अगर तुम माइनक्राफ्ट खेलते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कोवेब से हमें स्ट्रिंग मिलती है और जिन स्ट्रिंग को अगर आप 4 स्ट्रिंग को हमें एक साथ ऐसे रख दे तो हमें एक वूल मिलता है। और ऐसे हमें 3 वूल करने थे मेरे पास कुछ स्ट्रिंग की कमी पड़ गई थी तो मैं इससे ले आया था। और उस रात हम माइनक्राफ्ट में सबसे पहली बार सोए थे और हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने अपने लिए बेड बना लिए थे। और अगली सुबह होती मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ लगा दिए थे ताकि हम लकड़ी तोड़ सके। और उस रात यहाँ पे हमारे आलू भी उग गए थे तो मैंने सोचा भाई थोड़े से आलू पकाते हैं और आलू खाते हैं क्योंकि मेरी हंगर बार काफी ज्यादा कम हो रही थी। और अगले कुछ दिन हमने बस ट्रेडिंग करी थी हमने पेड़ तोड़े थे वहां से माइन करी थी और उन पेड़ को वापस बेच दिया था। हाँ खाना भी तो लेना है देखो सैंड वगैरह भी लेना है। सैंड का क्या करेंगे ले लेंगे बाद में। आयरन ले लूं 4 में 8 आयरन मिल रहा है। पोर्टल नेदर का ही तो बनाएगा यार 6 है वहां पर हमें कितने और चाहिए 1 2 3 और चाहिए हमें
क्या तीन चाहिए? तीन ऑब्सिडियन और, आठ के चार आएंगे। और हमारा अगला टारगेट था नेदर जाना, क्योंकि नेदर से हम बहुत सारी लकड़ियां तोड़ सकते हैं, जो कि ये लकड़ियां हम यहाँ के बिक सकते हैं, उससे हमारे पास काफी ज्यादा एमरल्ड हो सकते हैं। और फिर मैंने अपने एमरल्ड से चार ऑब्सिडियन खरीद लिए थे, क्योंकि हमें नेदर पोर्टल पूरा करना था। और बचे हुए एमरल्ड से मैंने आयरन की ट्रेडिंग करी थी, क्योंकि हम नेदर में जाने वाले हैं और हम ऐसे तो जाने वाले नहीं यार बिना आर्मर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए मैंने काफी सारे आयरन को बाय किया था और वहां से भाई इन्हें स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाल दिया था। और यहाँ पर पता नहीं इसने कौन सा प्रजाति का पेड़ लगा दिया था, या मेरा मतलब मुझे पता है कौन सा प्रजाति का पेड़ है, मतलब 18 वाले वर्जन में आया था, बस मुझे इसका नाम नहीं पता। और उसके बाद मैंने अपने और विस के लिए दोनों के लिए आर्मर बना लिए थे, मैंने हर एक चीज दो दो बना रहा था, जिसकी वजह से हमें आयरन का थोड़ी सी कमी पड़ गई थी। तो इसलिए मैं दोबारा माइनिंग करने गया था और मैंने वहां थोड़े बहुत और आयरन ले लिए थे, ताकि हम पिकेक्स वगैरह बना सके अपनी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्री फार्म पे काम किया था, क्योंकि वो ट्री फार्म यार मुझे इतना ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं था, तो मैंने सोचा भाई इसे तोड़ते हैं और दोबारा से एक नया ट्री फार्म बनाते हैं। और बस फिर मैंने अगले दो दिन बस उस ट्री फार्म को बनाने में लगे थे। मैंने यहाँ पे एक स्टेयर बना दी थी और फिर आगे का प्लेटफॉर्म बनाने लगा था। यहाँ पे मुझे बहुत सारी डर्ट चाहिए थी, तो इसलिए बार बार माइनिंग के लिए जा रहा था, वहां से क्लोबस्टोन बेक बेक के मैं वहां से डर्ट ले रहा था। वहाँ पे डट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे काफी सारे पेड़ लगा दिए थे, ताकि ग्रो हुए और हम इसे फिर वापस ट्रेडिंग कर सके। उसके बाद मैं स्लैब्स की मदद से आगे के डेजर्ट वाली बॉयो में गया, जहाँ पे मुझे कुछ गोल्ड नगेट मिल गए थे, कुछ हड्डियां मिली थी और एक कंपास मिला था, जो कि इतना ज्यादा खास चीज थी नहीं। फिर मैं रुइन पोर्टल में गया था, वहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली थी जिसमें मुझे दो पिकेक्स मिली थी, एक में सिल्क टस्ट थी और एक में फॉर्च्यून थ्री थी, जो कि सिल्क टस्ट तो हमारी थोड़ी बहुत काम आ जाएगी, पर फॉर्च्यून थ्री था मुझे लगता कुछ ज्यादा खास काम आएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से सारा गोल्ड ले लिया था। गोल्ड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हमें गोल्ड का हेलमेट बनाना था, क्योंकि हमारे पास हेलमेट नहीं था। और फिर डायमंड मेरे पास दो पहले थे और दो मैंने विस लिए थे, क्योंकि मेरे पास एमरेट खत्म हो गए थे, उससे मैंने डायमंड की पिकेक्स बना ली थी। और हाँ, हमने डायमंड ट्रेड करे थे, हमें आठ एमरेट के बदले में दो डायमंड मिल रहे थे, तो दो मैंने खरीद लिए थे और दो विस ने खरीद लिए थे। उसके बाद मैंने रुइन पोर्टल से सारे क्रैंक ऑब्सिडियन तोड़ दिए थे और उनकी जगह मैंने यहाँ पे ऑब्सिडियन लगा दिए थे। और वैसे सच बताऊं तो यार पोर्टल इतना खास लग नहीं रहा था, पर हाँ काम चलाओ था हमारे लिए। और यहाँ पे विस ने यार एक बाल्टी ट्रेड करी थी, जो कि ऐसे स्नो पाउडर बाल्टी थी, और ये पता नहीं क्यों मेरे ऊपर रखे जा रहा था बार बार, और इससे मुझे कुछ इफेक्ट मिल रहा था, ऐसे मुझे डैमेज पड़ता ज्यादा देर तक रखता ये, और मैंने सोचा किसी जला देते हैं। और फिर बच्चे कुछ जो मेरे पास लकड़ी थी मैंने उन सबसे ट्रेड कर लिया था और मैं चले गया था नेदर की तरफ, क्योंकि हमें नेदर में जाके बहुत सारे पेड़ माइन करने थे। और जिंदगी में पहली बार हम एक ऐसी लोकेशन पर आए थे जहाँ पे हम सच में चाहते थे कि हम वहाँ पे जाए, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे यार कि हमें ऐसी जगह मिल सकती थी। हम सोच रहे थे कि हमें सोल सैंड वाली जगह मिलेगी या कहीं और मिलेगी, जहाँ पे पेड़ पेड़ नहीं होंगे दूर दूर तक। फूल 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 नीला फूल है आसपास, काला फूल नीला फूल। और यहाँ पे यार पेड़ काटने के लिए सबसे पहले हमें भाई नीला फूल चाहिए, क्योंकि होलिन उससे डरते हैं और पेड़ काटते वक्त यार मैं एकदम टक्कर मार देता हूँ, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। और इसे चला गया था मैं यार नीले मशरूम को ढूंढने के लिए, यहाँ पे मैंने दो नीले मशरूम ले लिए थे, ताकि भाई विस्क के लिए हो जाए एक और एक मेरे पास हो जाए। उसके बाद हम दोनों भी लकड़ी तोड़ने लगे थे और यहाँ पे मेरी एक्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी, तो मुझे लगा था कि यार मैं ज्यादा नहीं तोड़ पाऊंगा, तो इसलिए मैं चला गया था भाई नेदर वॉल्ट तोड़ने, क्योंकि हम उसके बदले में भाई यहाँ पे एमरल्ड ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक टच की पिकेक्स थी, तो विस कह रहा था भाई इन्हें भी ले ले, और मैंने जैसे इन्हें लिया तो मुझे चला भाई गोल्ड की पिकैक्स से टूट गई मेरी। उसके बाद हमने काफी देर तक नेदर एग माइन करे, क्योंकि नेदर एग से भी हमें काफी अच्छे खासे एमरल्ड मिल सकते थे अगर हम उसे ट्रेड करें तो। घर आते ही मैंने उन सब चीजों से ट्रेड कर ली थी और मेरे पास अब अच्छे खासे एमरल्ड हो चुके थे। उसके बाद हम जो नेदर से वहां से ब्लॉक लाए थे सिल्टस से, हम उसे लगाने लगे। और पहले बता दूं ये मेरा आइडिया नहीं था, ये विस का आइडिया है, विस से आया था कि हम यहाँ पे नेदर का पेड़ उगाएंगे, पर ये सबसे बढ़िया आइडिया था भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये जो नोरा पेड़ होते हैं जो हमारे ओक है डार्क ओक है, इन्हें हम तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ देते हैं और लीफ इनकी अपने आप टूटने लगती है, पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी पत्ती भी हमें ऊपर जाके तोड़नी पड़ रही थी यार, ये दिमाग खराब कर दिया था मैंने, यार इससे अच्छा तो हमें नेदर से जाके तोड़ लिया थे, मतलब ये नेदर से तोड़ देते तो ज्यादा सही रहता ना, अब हम घर पे उगा रहे हैं, अब मुझे पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, उनकी पत्ती भी तोड़नी पड़ेगी अब, तो ये काफी बोरिंग काम हो गया था मेरे लिए। उसके बाद मैंने अपने ट्री फार्म पे थोड़ा सा और काम किया था, मैंने इसे साइड साइड से पूरा कवर कर दिया था। और फिर यहाँ पे रात होती भाई, यहाँ पे एक क्रीपर भैया आ गए थे, जो कि पहले तो मुझे लगा था कि भाई नीचे गिर गए, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फिर मैंने आगे देखा तो वहां से मुझे पता चला कि दोबारा आ रहा था, तो फिर मैंने इसे दोबारा मार दिया। सामने की तरफ एक विच भी थी, पहले तो मुझे लगा था कि ये यहां पर नहीं आ पाएगी, और फिर इसने एक गिलास जूस पिया और पता नहीं किसे क्या हुआ, ये मेरी तरफ भगी भगी आई और मुझे स्लो पोशन दे दिया था, मुझे लगा था बस अभी यही पोशन देगी, इसके अलावा कोई पोशन नहीं देगी, पर जैसे मैं इसके पास गया तो मुझे पोइजन का पोशन दे दिया था और यहां पर मैंने इसे मार दिया था। लेकिन तुम एक चीज देखो, मेरे डैमेज पड़ रहा है, मेरी अब फुल हेल्थ है, ठीक है, अब मैंने खाना खाया, मेरी हेल्थ दोबारा बढ़ी और दोबारा डैमेज पड़ने लगा, मतलब आधी हेल्थ पे ये रुक गई थी, पर जैसे मैंने खाना खाया ये वापस बढ़ने लगी, तो ये पता नहीं क्या हुआ था, पर हाँ मैं बच गया, मैं मरा नहीं। और उसके बाद मैंने बहुत सारी माइनिंग करी थी और वहाँ पर भी भाई सुगर केन का फार्म बना रहा था, क्योंकि हमें सुगर केन भी चाहिए था कि हम एंचेंटेड टेबल बना सकें। उसके बाद फिर मैं भी अपने एक्सी फार्म पे काम करने लगा था, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया था। और सबसे पहले एक्सी फार्म बनाने के लिए हमें चाहिए होपर, क्योंकि होपर से हम कलेक्टिंग सिस्टम बना सकते हैं। और फिर मैं होपर बनाने चला गया था, मैंने यहाँ पे चार होपर बना लिए थे, फिर यहाँ पर मैंने एक चेस्ट रखी और उन चारों होपर को इस चीज से कनेक्ट कर दिया था, ताकि अगर इन चारों होपर में कुछ भी चीज गिरे तो वो सीधा इस चेस्ट में आ जाए। और फिर मैं इस बार इस एक्सी फार्म की हाइट 23 रखने वाला था, क्योंकि तुम्हें याद हो तो केव्स एंड क्रीव्स में मैंने इसकी हाइट
28 रख दी थी और मोब सारे आके नीचे मर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसकी हाइट 23 रखी थी। बर्फ हो रही है यहाँ पे, देखनी है मेरी, यहाँ बारिश पड़ रही है। और यार इन माइनक्राफ्ट वालों को यार मुझसे कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ तो इन्होंने बहुत तेज बारिश कर रखी है, मैं भाई भीग भीग के काम कर रहा हूँ, और जहाँ पे विश काम कर रहा है वहाँ पे बर्फ पड़वा रखी है यार इन्होंने। यहाँ पे एक्सी फार्म पे काम करते करते मेरे क्लोबस्टोन खत्म हो चुके थे, तो इसलिए माइनिंग करने वापस आया था ताकि मेरे पास काफी सारे क्लोबस्टोन हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने पूरी रात एक्सी फार्म पे काम किया था, मैं बीच में माइनिंग करने भी गया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्लोबस्टोन खत्म हो जाते थे, और अगली सुबह तक ये पूरा तैयार हो चुका था, बस हमें पानी डालना था अंदर। उसके बाद मैंने इस एक्सी फार्म में यहाँ पे ट्रैपडोर लगा दिए थे, मुझे पता है यहाँ पे ट्रैपडोर थोड़े सतरंगी लग रहे होंगे, सामने अलग ट्रैपडोर यहाँ पे अलग ट्रैपडोर, क्योंकि मेरे पास लकड़ी की कमी हो चुकी थी और मेरे पास जितनी भी लकड़ी थी मैंने उन सबका ट्रैपडोर बना दिया था, और मेरे पास एक भी लकड़ी नहीं थी। और बस फिर मैं यहाँ से पानी लेके मैं नीचे की तरफ आ चुका था, और मैंने नीचे यहाँ का एरिया भी बंद कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता यार यहाँ पे कोई और मोब आए और यहाँ पे बाहर निकल जाए। वैसे देखा जाए तो यार काफी सही काम कर रहा था, क्योंकि दिन में भी काफी अच्छे खासे मोब्स आ रहे थे और हमें अच्छी खासी एक्सपी मिल सकती थी इससे। और उसके बाद मैंने 3-4 दिन तक उस माइनिंग करी थी, और यहाँ से मैंने काफी सारे क्लोबस्टोन इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि अब हमें यहाँ का रास्ता भी चौड़ा करना है और साइड साइड में हमें फेंस भी लगानी, क्योंकि अब हम भाई एनिमल को ब्रीड करने वाले थे और हम नहीं चाहते यार कोई भी एनिमल भाई नीचे गिर जाए। सच बताऊं तो ये मैं अपने लिए कर रहा था क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था यार यहाँ पे चलते हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी तोड़ी और उसके बाद फिर मैं वापस अपनी दिहाड़ी पे चला गया था, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे पैसे भी कमाने थे, और यहाँ पे मैंने ये रास्ता चौड़ा कर दिया था और इसके ऊपर मैं फेंस लगाने वाला था जो कि मैंने डार्क ओक से लगाई है। और यहाँ पर जिसने 3 फार्म बनाए थे, एक सुअर केन फार्म था वो तो छोटा सी था, और यहाँ पे एक वीट फार्म था, और ये वाला एक बैम्बू फार्म बनाया था इसने, और ये यार काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, तो मैंने सोचा भाई मैं भी इसकी मदद कर देता हूँ। इसने मुझे थोड़े से बैम्बू दिए थे उगाने के लिए, तो लेफ्ट साइड में यू आ रहा था और राइट साइड में मैं उगा रहा था, तो हमने सोचा भाई जल्दी जल्दी काम हो जाएगा इससे। और यहाँ पर हम इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं कि चल भी रही है या नहीं चल रही, और ये काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी क्योंकि ये पहले वाले को तोड़ती थी, इतने पीछे वाले उग जाते थे, और जैसे ही ऐसी साइकिल चलती रहती थी। पर हमने इसे कंटिन्यूस नहीं रखा, हमने यहाँ पे स्विच कर दिया था, जब हम चाहे जाओ हम इसे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यार ये ज्यादा ज्यादा चलेगी तो हमारा गेम लैग होएगा, और इस वजह से हमने इसे ऑटोमेटिक नहीं बनाया था। वैसे इसने काफी अच्छे अच्छे फार्म बनाए थे, वैसे वीट फार्म अभी चल नहीं रहा था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चल रहा था, और विश कह रहा था थोड़ी देर बाद चलेगा क्योंकि जब उसी विलेजर की इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, और मैंने कहा ठीक है भाई, और फिर मैं अपने काम पे लग गया था। मैंने इसके रास्ता चौड़ा करा था, यहाँ पे सारे में फेंस बना दिया था, पर चिंता मत करो मैं ये रास्ता है सब बाद में ठीक कर दूंगा। वैसे ही मुझे डार्क ओक बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताऊं तो मुझे यार नॉर्मल ओक वाली वुड ज्यादा अच्छी लगती थी, पर हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है तो इसलिए हमने डार्क ओक से काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ से मुझे यार इस चीज को भी बदलना था, जो हमारा क्लोबस्टोन जनरेटर है यहाँ पे एक गलत जगह रखा था, क्योंकि मैं बार बार आता था और मैं लावा में गिर जाता था, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो मैंने सोचा भाई इस चीज को कहीं और रखते हैं। और यहाँ से मैंने एक्सी फार्म से कुछ एक्सपी ली थी क्योंकि मुझे अपने आर्मर को एंचार्ट भी करना था, और उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत एक्सपी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोबस्टोन जनरेटर का बेस बना दिया था, और यहाँ पे मैं 2 बाल्टी पानी भी ले आया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लावा भी डाल दिया था, और ये चीज काफी सही काम भी कर रही थी। बस अब एक चीज की कमी थी, वो थी यहाँ पे नीचे होपर लगाना। वैसे मैं होपर पहले लगाना चाहिए था, वो मैं पहले भूल गया था, और मुझे याद आया कि होपर भी लगाना है। उसके बाद फिर मैंने नीचे की तरफ माइन करा और दोनों होपर को इस चेस्ट में कनेक्ट कर दिया था, और ये अब काफी ज्यादा सही हो चुका था, और फाइनली हमारे पास एक सेफ जगह हो चुकी थी जहां पर हम आराम से बैठ के माइन कर सकते थे। उसके बाद मैंने जितने भी क्लोबस्टोन वहां से माइन करते मैंने उन सबको बेच दिया था, और मेरे पास अब अच्छे खासे एमरल्ड हो चुके थे, और फिर मैंने उन एमरल्ड से एक स्पूनर खरीदा था। और अब मैंने स्पूनर क्यों खरीदा मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि देखो जो एक स्पून एग की कीमत है वो है 32 एमरल्ड, और एक स्पूनर की कीमत भी 32 है, और अगर हम 2 अंडे खरीदे, क्योंकि हमें 2 लेने ही पड़ेंगे अगर हमें शीप की ब्रीडिंग करवानी है, तो 2 शीप हमारे पास होनी चाहिए, और 2 अंडे हमें एक स्टैक के मिलेंगे, और इससे अच्छा हम एक स्पूनर खरीद सकते हैं और 1 अंडा खरीद सकते हैं, जिससे हमें अनलिमिटेड भेड़ मिल सकती है, और हमें उन्हें खाने खुवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्पूनर ही उन्हें वापस स्पून करता रहेगा और हमारी वेट भी बचेंगे। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम सोच रहे थे ऐसे कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम स्पूनर में कुछ और अंडे डाल सकते हैं, उस विलेजर स्पून करने विलेजर का अंडा डाल दो, तो हम ये सोच रहे थे कि हमें एक स्पूनर तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे पता है देखो यार मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें समझ में आया तो काफी सही बात है मेरे लिए, और अगर नहीं आया तो प्लीज अब तुम खुद देख लेना हम क्या करने वाले थे स्पूनर से। और अब मेरा अगला काम था जानवरों के लिए एक जगह बनाना जहाँ पे हमारे सारे भेड़ बकरी रहेंगे, और अभी के लिए तो यार मैंने इस एरिया को थोड़ा छोटा ही बनाया था क्योंकि हमारे पास अभी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और फ्यूचर में हम इन्हें अलग अलग कर देंगे जब हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, पर अभी के लिए मुझे लगता है ये मिलजुल के रह सकते हैं। लेकिन उस रात यार मेरे जानवरों के घर में यार एक हादसा हो गया था, वहां पे एक क्रीपर फट गया था, और भाई मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था उस चीज पर, क्योंकि यार यहाँ पे इतने सारे क्रीपर फूट गए थे और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने इस स्पाइडर को मार के अपना चुपचाप सो गया, क्योंकि यार ये बहुत सारे थे और मैं नहीं चाहता यार मैं मर जाऊं। और अगली सुबह को मैंने उस चीज को फिक्स करा था क्योंकि मजदूरी तो मुझे करनी थी। उसके बाद फाइनली वो दिन भी आया जब हमने यहाँ पे स्पूनर रख दिया था, और पता नहीं डिफॉल्ट स्पूनर यहाँ पे पिक छोड़ रहा था, और यहाँ पे मतलब
पिक का स्पॉनर बन गया था ये, और यहाँ पर कोई भी जानवर स्पॉन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा था, पर हाँ यहाँ पर इस वाले एरिया में कोई भी जानवर स्पॉन नहीं हो रहा था। पर जब हम इसे दूर कहीं वहाँ पे जहाँ हमारा मेल आइलैंड था हमने इसे वहाँ पे रखा, तो वहाँ पे असली में स्पॉन करने लगा ये, और वहाँ पे चल रहा था पर इस वाले एरिया में नहीं चल रहा था। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था, शायद गेम से कोई ग्लिच हो, पर हाँ कोई नहीं, हमारे पास जानवर तो आ ही गए थे। उसके बाद फिर मैं इन्हें एक एक करके वहाँ पे ले आया था, और यार ये चीज़ खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं एक को छोड़ के आता था यार, दूसरी आ जाती थी, फिर मैं दूसरी को छोड़ के आता था, तीसरी आ जाती थी, और फिर मैंने सोचा कि भाई बस अब नहीं ले जाऊंगा इन्हें, अब बस बहुत हो चुका है यार, ये तो स्पॉन हो ही जा रही है। और हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी तो हम इन्हें रख सकते थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बहुत सारी चेस्ट बनाई थी, क्योंकि हमारे पास अब लकड़ी की कमी तो होने वाली नहीं थी, हम नेदर से जाकर बहुत सारी लकड़ी ले आते थे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी काई स्पॉन हो रही थी मैं उन सबको मार रहा था। और अब बारी थी यार हमें घर बनाने की, और उसका एक छोटा सा टाइम आपके बिल्कुल ठीक सामने है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और फाइनली यहाँ पे हमारा घर भी बन चुका था। और मुझे पता है तुम्हें बीच में हल्का सा वीडियो में कट दिखा होगा, क्योंकि उस टाइम मैं खाना खाने चला गया था और मैंने रिप्ले मोड को पॉज कर दिया था, और जब मैं वापस आया तो मैं खोना ही भूल गया था। वो विस्ने मुझे याद दिलाया कि भाई रिप्ले मोड ऑन कर ले, और तब मैंने ऑन करा था। तो बस थोड़ा सा पार्ट था, ज़्यादा पार्ट नहीं था, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। हमने ऊपर की तरफ तो यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट रख दी थी, जो कि हमारा सारा फालतू का सामान यहाँ पे रहेगा। और सामने की तरफ मैंने यहाँ पे विलेजर के लिए दो घर बनाए थे, जो कि हमारे सारे विलेजर इसमें रहेंगे। पर अभी हमारे पास विलेजर को स्पॉन करने के लिए थोड़ा वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं वापस वहाँ पे चला गया था बैम्बू फार्म में। वो मैंने बैम्बू फार्म में देखा यहाँ पे बहुत सारे बैम्बू हो चुके थे, तो मैंने और जिसने सारे बैम्बू बेच दिए थे, जिससे हमें अच्छे खासे एमरेड मिल चुके थे। और उस एमरेड से हमने डायमंड खरीदे थे, यहाँ पर मैंने अपने लिए डायमंड खरीदे थे और जिसने अपने लिए खरीद लिए थे। और यहाँ पर मैंने आके अपने पूरा डायमंड का सेट बना लिया था। और मैंने यहाँ पे एक पिकेक्स बनाई थी, क्योंकि पिकेक्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। और यहाँ पर मैंने एक तलवार बना ली थी, क्योंकि मुझे इस पर एंचेंटमेंट लगानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लगने वाली थी। उसके बाद मैं और इस एंचेंटेड रूम में गए थे, जो कि जिसने बनाया था, और वहाँ पर मैंने अपनी चीज़ों में एंचेंट लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मेरी तलवार में मुझे यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी, पर जैसे मैंने अनब्रेकिंग 3 को लिया और मुझे यहाँ पे नोक बैक मिल गया था, और यहाँ पे शार्पनेस 4 मिल गई थी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सही बात थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और स्पोनर खरीदा था, और ये स्पोनर यहाँ पे विलेजर का स्पोनर होने वाला था। फिर मैंने विलेजर के एरिया में आके मैंने यहाँ पे विलेजर का अंडर डाल दिया था इसमें, ताकि यहाँ पे विलेजर स्पोन कर दिए। और पहले ही बार में इसने 2 विलेजर स्पोन कर दिए थे, और ये विलेजर दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। और फिर मुझे याद आया कि मैंने इन्हें बेड तो दिया ही नहीं, और ना इन्हें कोई जॉब दी। और उसके बाद फिर मैंने इन्हें यहाँ पे जॉब दे दी थी, मैंने यहाँ पे इन्हें फ्रीजिंग टेबल दी थी, क्योंकि मेरे पास बस यही रिसोर्स थे जिसे मैं बना सकता था। मैं सोचा था पहले लून बनाऊं, पर वो किसी काम की नहीं थी, कम से कम इससे हमें कुछ एरो तो मिल ही जाएंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक चीज दिखाता हूँ, जो कि विस ने बनाई थी। और वहां पे विस ने यहाँ पे एक कुत्ते का पूरा फौज बना दी थी कुत्ते की, और मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरे पास हड्डी थी जो कि मैं एक्सी फार्म से लाया था, और मैंने इन सारे कुत्तों को पटा लिया था। पहले मैं सोचता था कि मैं और विस इन कुत्तों से लड़ाई करवाएंगे, पर यार वो माना ही नहीं, और मुझे फिर इन कुत्तों को यहाँ पे अपने फलाना पड़ा। वैसे मैंने कुछ ज्यादा कुत्ते टेम कर लिए थे, तो मैंने हर कोने में एक एक कुत्ता बैठा दिया था। और अब ये कुत्ते भेड़ मारने के काम आते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजेदार बात थी, क्योंकि मैं इनमें बस एक क्लिक करता था और ये कुत्ते इन्हें अपने आप मार देते थे। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था यार इन सबको मारने में, पर अब काफी ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। ये रे देखो मेरे लड़ाई करवाए पिटबुल अरे इसलिए पालते हैं लड़ाई कराने के लिए। हाँ तू मेरे मार, मैं तेरे मारता हूँ, और फिर देख चल अब माइनिंग करने चल। माइंड करने आ जा, डेविड ढूंढने। हाँ उसके बाद मैं और इस नेदर में चले गए थे। नेदर में थोड़ी बहुत क्वार्ट्स भी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ से एक्सपी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर हमें नेदरराइट का आर्मर बनाना है तो उसमें थोड़ी बहुत एक्सपी लगेगी, और मुझे एटलीस्ट 30 एक्सपी तो चाहिए थी अपनी। और यार डेविड ढूंढना यार बिल्कुल भी ज़्यादा आसान नहीं होता, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा माइन कर रहे थे, और तब जाके हमें भाई एक दो मिल रही थी, और बहुत ही ज़्यादा रेयर हो रही थी।
और बहुत देर बाद जाके फाइनली मुझे एक डायरी मिली थी अपनी, मतलब एक डायरी थी वो आखिर में तीन डायरी थी, पर हाँ एक गुच्छा मिला था डायरी का और मैं उस चीज की काफी ज्यादा खुश था, आखिरकार शुरुआत तो ही मेरी। उसका थोड़ी बहुत और माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे दूसरा गुस्सा ही मिल गया था इस डायरी का और हमारे पास अब टोटल 5 हो चुकी थी। ऐसे करते करते हमने भाई बहुत सारा टाइम इसमें दिया था, हम माइनिंग कर रहे थे और हमने बहुत बड़ी केव खोद दी थी। फाइनली यहाँ पे मेरे पास 17 हो चुके थे डायरी और यहाँ पे इसके पास मेरे से ज्यादा थे और अब हम अपना पूरा आर्मर को डायरी में कन्वर्ट कर सकते थे। घर पे आते मैंने अपने सारे नजर को चेस्ट में डाल दिया था क्योंकि अभी हमारी ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी हमारे पास इनफ एमरेट थी। स्मिथिंग टेबल बना दे, स्मिथिंग टेबल बना दे यार, बना ले बनती कैसे मुझे नहीं पता। दो आयरन है, मेरे को भी नहीं आती रेसिपी। आया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्मिथिंग टेबल बना ली थी और मैंने अपने सारे डेब्री को फर्नेस पर रख दिया था ताकि वो स्मेल्ट होकर स्क्रैप बन जाए और फिर मैंने अपने पूरे डायमंड के आर्मर को उतार दिया था और अब हम तैयार थे नेदरराइट आर्मर बनाने के लिए। फाइनली हमारे यहाँ पे एक और टास्क पूरा हो चुका था और अब हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और उसके बाद मैं हमारे घर को भाई सेडस लगा के देख रहा था क्योंकि सेडस लगा के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सबसे ज्यादा पसंद मुझे इसकी लाइब्रेरी आई जो कि विष्णु ने बनाई थी। और हमारा तीसरा काम था एंडर ड्रैगन को मारना, जिसे कि मारना हमें थोड़ा इम्पॉसिबल से लग रहा था क्योंकि ना तो इस वाले वर्ड में फोर्टेस स्पोन होती है और फोर्टेस नहीं होगी तो हमें विलेज रोड का स्पोनर भी नहीं होगा और हमें विलेज रोड चाहिए चाहिए थी ताकि हम एंडर पर को आई ऑफ द एंडर में कन्वर्ट कर सके। और उसके लिए हमने एक आइडिया सोचा कि हम एक स्पोनर लेके जाते हैं और उसे ब्लेज में कन्वर्ट कर देते हैं और हमने वही किया। यहाँ पे एक छोटा सा पिगलिन आया था और मैंने सोचा कि अकेला है तो इसे मार देते हैं और विष्णु ने इतने भाई यहाँ पे ब्लेज का स्पोनर लगा दिया था। हमने इसे मारने की कोशिश करी थी, पहले वाले से मुझे कुछ ज्यादा खास चीज मिली नहीं, मतलब ब्लेज रोड मिली नहीं, पर हाँ दो से तीसरे से मुझे मिल चुकी थी। मैंने यहाँ पे काफी सारे ब्लेज को मारा था पर यार ब्लेज रोड बहुत ही कम दे रहे थे। बहुत ही यहाँ पे फाइट लेने के बाद फाइनली हमारे पास 4 रोड आ चुकी थी और कुछ विष के पास भी थी और बस हम इन्हें मारने के बाद वापस अपने घर चले गए थे। घर पे आने के बाद विष्णु ने एक विलेजर को क्लेरिक बना दिया था जिससे कि हम एंडर पर ट्रेड कर सकते थे, पर यार इसने तो हमारा पागल ही बना दिया था क्योंकि ये हमें एंडर पर दे नहीं रहा था। हमने इसे पूरा अपग्रेड कर दिया था पर ये नहीं दे रहा था और फिर हमने सोचा कि भाई अब क्या ही करें क्योंकि हमें एंडर पर तो चाहिए चाहिए। और फिर हमने भाई इस विलेजर से हटा के किसी दूसरे विलेजर को ये वाली जॉब दी थी और उसने फाइनली हमें एंडर पर दे दी थी, पर उस टाइम मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, वो ट्रेड विस्क्राफ्ट की वीडियो में मिलेगी। क्या कर रहे हो तुम इतनी? ओ सॉरी 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 यार, मैं अपने कुत्ते को मार दिया था। केवल दो चाहिए विस, मैंने तेरे कुत्ते गिरा दिया अबे गलती से। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ किसी ने कुछ नहीं देखा। ओ वापस आ गया। अरे अच्छा अच्छा मेरी कुत्ता था ये मैंने इसे नीचे डाला, ये टेडी पुडू तो वापस ऊपर आ गया। लेकिन असल में भाई वो कुत्ता मर ही गया था क्योंकि जब मैंने वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा स्लो मोशन में, तो मुझे पता चला कि वो कुत्ता मर गया था। खैर छोड़ो, हम आगे की बात करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आई ऑफ द एंडर बना ली थी और फिर मैंने यहाँ पे पोर्टल ओन करा था, पर विस कह रहा था यहाँ पे मुझे एक ट्रिक करनी है। विस को देखना था कि अगर हम पानी को साइड में रखें तो क्या पानी भी टेलीपोर्ट होएगा एंड में या नहीं होएगा। तो फिर मैंने इसे करा और विस तो टेलीपोर्ट हो गया पर यार ये पानी टेलीपोर्ट नहीं हुआ और फिर हम वहाँ पे ऐसी लोकेशन पे स्पॉन हुए जहाँ पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि ना तो हमारे पास एंडर पल थी और हमें वहाँ पे जाना था और ना ही मैं इतने सारे ब्लॉक लेकर आया था। वो तो शुक्र है भाई मेरी इन्वेंटरी में कुछ टूटे फूटे ब्लॉक बच रहे थे, मतलब 10 ग्लोस्टोन बच रहे थे, 9 नेदरराइट बच रही थी और छोटे मोटे वूल वगैरह बच रहे थे, तो मैं बस उन्हीं से चला गया था। विस के पास एक एंडर पल थी तो विस तो वहाँ से भाई टेलीपोर्ट हो गया और मैं बच गया यहाँ पर। और मैंने भी अपना सतरंगी ब्रिज बना लिया था और मैं भी जैसे तैसे भाई वहाँ तक पहुँच गया था। फाइनली मेरे पास इतने ब्लॉक थे कि मैं वहाँ तक जा सकता था, मेरे पास अभी भी एक ब्लॉक और था पर मुझे सामने की तरफ दिख गया था कि मैं वहाँ पे पहुँच सकता था, तो फिर मैं वहाँ पे सीधा जंप कर गया था और मैं ऊपर की तरफ आ गया था। अबे एंडरमैन मेरे को बजा रहे हैं सारे। हाँ आ गया, मैं आ गया ने पेड़ा मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ बता कहाँ है क्रॉस बनी यार वो देता ना, इसके लिए मुझे एरो भी चाहिए ना, एरो कौन देगा? इन्फिनिटी लग रही है इसमें, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। ये ले नहीं, ये ले एरो ले ले, मैंने अपने बो पे इन्फिनिटी लगा रखी है। पत्ते नाइस 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 नाइस। और मैं तुम्हें सच बताऊं कि आज से पहले मैंने मल्टी शॉट या इस एक्सबो का भाई कभी इस्तेमाल किया भी नहीं था। एक्सबो तो क्रॉसबो होता है, हाँ क्रॉसबो, क्रॉसबो का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं था और ये मेरा पहला टाइम था जब मैं भाई क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था क्योंकि इसमें रीलोड करना पड़ता है यार और रीलोड में यार मेरा दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे यार इन क्रिस्टल को फोड़ रहा था और यहाँ पे नीचे यार विस्क्राफ्ट इसे मार रहा था। मैं आराम से ऊपर बैठ के देख रहा था क्योंकि यार देखो मेरे पास क्रॉसबो है और मैं अब हवाई हमले संभालूंगा, अगर ये ऊपर रहेगा तो मैं मारूंगा, नीचे रहेगा तो ये मारेगा। और फिर बस ऐसे ही करते करते हमने इसे मारा और पर मुझे एक बात याद नहीं रही कि जो सामने वाला हमने क्रिस्टल नहीं फोड़ा, वो एक्चुअली यहाँ से दिख नहीं रहा था, मुझे लगा था कि वो आग जल रही है
और जब एंडर ड्रैगन उसके पास जाता था तो उसकी हेल्थ बढ़ती थी। वो तो मुझे पता चला कि वहाँ पे भी एक क्रिस्टल जो कि हमने नहीं फोड़ा, और फिर वो विस्फोट किया गया था उसे। उसका फिर मैं भी नीचे आ गया था, और फिर मैंने और विस्ने भाई इस एंडर ड्रैगन को मारना शुरू कर दिया था। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि जो 1.16 वाला है उसमें इसकी पूंछ पे डैमेज रहता था, तो मैं इसकी पूंछ मारता था, पर यार अब इसकी पूंछ पे डैमेज ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था ऐसे 1.18 में कुछ ऐसा हो कि अब इसके बस सर भी डैमेज पड़ रहा है। और फिर मैंने सोचा कि आगे वो करती है, तो फिर भाई आगे से डैमेज पड़ रहा था सच में, और इसने मुझे हवा में उड़ा दिया था। यार उड़न कस्तरी मत दो यार मुझे, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। वो साइड में बीस गिरा था, और मुझे थोड़ी देर पानी रखना चाहिए था यार, वो बच जाता, उसके मतलब हेल्थ कम हो जाती। और यार इस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक एंडर मैन है। ओ नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। अरे अंकल जी कैसे, बच्चे की जान लग गई क्या? नहीं अब दो दो आ गए, क्या बात है, ऐसे नहीं होता। नहीं होता विश, बच्चा बच्चा भाई विश क्या कर रहा है तू? अरे नहीं भाई नहीं 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 बचा 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 बचा, मार 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 इन हरामियों को, मार चांस मार दे। उसके बाद यहाँ पे एंडर ड्रैगन भी नीचे आ गया था, और मैंने उसे मारने की कोशिश करी थी। मैंने इसे मार तो दिया था, पर यार ये एंडर मैन मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे थे, और इस वजह से मैं उसकी एक्सपी नहीं कलेक्ट कर पा रहा था। और सारी एक्सपी यार विस्टक्राफ्ट ले गया था, उसके 69 एक्सपी हो गई थी। और मैंने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारने की कोशिश भी करी थी, भैया मर नहीं रहा था, तो मैंने भाई वहाँ पे एंड के पोर्टल में डाल दिया था, सैसे हमारे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद फिर मैंने वो काम किया जो कि सैसे कोई करता भी नहीं है, ड्रैगन का एक अब कोई कौन ही चुराता है यार, मैंने बहुत कम देखे लोग चुराते हुए। और अब हमारी आखिरी चीज जो कि लाइटर थी, वैसे तो हम लाइटर खरीद भी सकते थे क्योंकि वो 42 एमरल्ड में हमें दे रहा था लाइटर, पर यार वो खरीदने में वो मजा नहीं है जो कि हमें एडवेंचर करके मिलने में है। और वैसे ये एडवेंचर मुझ पर थोड़ा भारी पड़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडर पर फेंकी और मैं इसके ठीक ऊपर स्पून हो गया, और अब मुझे अंदर जाने के लिए एक एंडर पर चाहिए थी। फिर मैंने विश से कहा भाई विश तो ही लिया। मैं अंदर कैसे हूँ, लैपटॉप है? नहीं एक वो मेरे लिए ले लियो एक एंडर पर। और फाइनली हम दाएं एंड में पहुंच गए थे, और हमारा सबसे पहला काम था बहुत सारे एंडर पड़े इकट्ठा करना, जो कि हमारी परंपरा बन चुकी है क्योंकि हम जब भी एंड में आते थे हम भाई ये तो कर दी है। और फिर मैंने और विश ने यहाँ पे अपना तंबू गाड़ा, और हमने जितने हो सके उतने एंडरमैन को मारा क्योंकि हमने यहाँ पे भसड़ मचा दी थी। हमने आसपास जितने भी एंडरमैन थे हमने उनकी सबकी आंखों में देखा, और यहाँ पर आके एक एक करके उन सबको खत्म कर दिया। यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 स्टैक एंडरपल हो चुके थे, और हम नहीं चाहते कि भाई हम दोबारा आना पड़े और यहाँ पे एंडरपल इकट्ठे करने पड़े, तो इसलिए हम काफी सारी एंडरपल पहले ही लेके जा रहे थे अपने ओवर वर्ल्ड में। और एक सैड न्यूज है एक्चुअली, यहाँ पर इस जो वर्ल्ड है पूरा ही वर्ल्ड है इसमें कोई भी स्ट्रक्चर स्पॉन हो ही नहीं रहा था क्योंकि हमने नेदर में देखा, नेदर में भी नेदर फोर्ट्रेस स्पॉन नहीं हुआ था। और हम भाई एंड में भी आए तो एंड में भी एंड सिटी ही स्पॉन नहीं हो रही, और जब एंड सिटी ही स्पॉन नहीं हुई तो हमें भाई राइटर मिल ही नहीं सकता। और हमने काफी देर तक ढूंढी भाई, हमें कुछ भी नहीं मिला था, और फिर हम लौट के भाई अपने घर ही आ गए थे। मेरी मैं 2 स्टैक एंडरपल लेकर आया था यहाँ पे, बस मेरे पास अब एक स्टैक एंडरपल बची थी, वो उसमें भी कुछ कम थी, और प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसके बाद मैं अपने घर पे आ चुका था, यहाँ पे भी कुछ ट्रेड कर रहा था। पहले मुझे लगता था ये राइटर ट्रेड कर रहा है, पर फिर नजर नीचे गई और मुझे याद आया कि हम यार इस आइलैंड पे तो कभी गए भी नहीं है और हमें इसे चेक करना चाहिए। उसके बाद मैंने ऊपर से एंडर पर फेंक दी थी, और पर मुझे ये नहीं पता था कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। और यहाँ थे यार स्केलेटन भैया ने हमारा जोर शोर से स्वागत किया था, मतलब मैं मरते मरते बचा था, मैं नीचे गिर गया था और मैं खत्म था, मैं एक ब्लॉक पे खड़ा था बस। वो तो अच्छा हुआ है भाई एंडर भैया अपने आप ही शहीद हो चुके थे। और यहाँ पर मुझे यहाँ पे 2 डायमंड मिल गए थे, 2 गोल्डन एप्पल मिल गए थे, नेम टैग मिल गया था, और कुछ टॉर्च मिल गई थी। पर अब सवाल था कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ, तो फिर मैंने विश को कहा भाई विश ऊपर से बाल्टी फेंक दे पानी की जिससे पानी के सारे ऊपर आ सकूं, और फिर विश ने ऊपर से पानी फेंक दिया था, और फाइनली मैं ऊपर की तरफ जा सकता था। अंदर आना, अरे अंदर अंदर, और मैं अगर मैं एक को मारूं तो सारे मेरे पीछे पड़ेंगे। ट्राई करियो 1360 वो है। भाई गेट तो बंद कर। अबे यार भाग 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 भी इस लाइन में आ रहे भाई, लाइन में आ रहे हैं। ओके ओके पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया हमने, पीछे छोड़ दिया ये मुझे भी कहेगा। अरे अरे एक है अभी भी नहीं, दो है। और उसके बाद यार ये सारे कुत्ते विश का पीछे छोड़ के यार इन भेड़ों के पीछे पड़ गए थे यार, मतलब ये मासूम सी भेड़, इन्होंने क्या ही बिगाड़ा था इनका, पर ये इन्हें मार रहे थे। और मुझे नहीं पता था ऐसे कुत्ते मारते भी है, पर यहाँ एक दो कुत्ते फिर भी विश के पीछे पड़ रहे थे। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे 100 भी कंप्लीट होती है, तो प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हम मिलते आपसे अगली वीडियो में। और हमने जैसा कहा था कि स्काई ब्लॉक की अगली वीडियो आएगी, हमने बना दी है स्काई ब्लॉक की अगली वीडियो, और अगर तुम्हें कुछ आइडिया है तो प्लीज़ हमें बताओ यार, हम उस पर काम करेंगे और हम बनाएंगे यार उस वाली वीडियो को भी। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।